ये एक पूरे दौर से गुजर रहा है। जो 28 दिन में होता है वो सूक्ष्म रूप से ऊर्जा के स्तर पर इस 2 घंटे के समय में हो रहा है। आपका जीवन 27 दिन कम हो सकता है ऊर्जा के स्तर पर। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब बस इतना है कि हम फास्ट फॉरवर्ड में हैं। हमें नारियल और आम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि हम फास्ट फॉरवर्ड में हैं, हम इसे या उसे तोड़ नहीं सकते। तो यहां आज चांद भी फास्ट फॉरवर्ड में है। पूरे 28 दिन चांद की सारी 28 कलाएं आप यहीं देख लेते हैं। जो पूरे एक महीने में होता है वो एक सूक्ष्म रूप में यहीं हो रहा है। जब इस तरह का फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो काफी चीजें बदल रही हैं। एक चीज आप देखेंगे कि खाने की बात सुनकर आप जीभ मत लटकाइए। नहीं, खाने से मेरा मतलब आपके शरीर से है। खाना मतलब आपका शरीर, खाना ही आपका शरीर बन जाता है ना? खाना ही आपका शरीर है। तो जब मैं खाने की बात करूं तो खास तौर पर पका हुआ खाना सड़ने की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा तेजी से गुजरेगा एक सूक्ष्म तरीके से आम दिनों की तुलना में। तो हर चीज एक अवस्था से होकर गुजर रही है। ये सिर्फ खाने के साथ ही नहीं हो रहा है, ये आपके शरीर के साथ और पूरी दुनिया के साथ हो रहा है एक खास तरह से। अगर आपके शरीर में खाना है तो यह आप पर बहुत ज्यादा असर करेगा। यानी 2 घंटों में ही आपकी ऊर्जा लगभग 28 दिन बूढ़ी हो जाएगी। इसका मतलब आपका जीवन 27 दिन कम हो सकता है ऊर्जा के स्तर पर एक सूक्ष्म तरीके से। तो चंद्र ग्रहण के दिन इतनी सारी चीजों का ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप 28 दिनों से होकर गुजरते हैं सिर्फ 2 घंटों में, लगभग 2 घंटों में। तो आज खास दिन है क्योंकि धरती के अलाइनमेंट के कारण आज धरती पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हर वो चीज जो अपनी प्राकृतिक अवस्था से दूर हो चुकी है वो कुदरती तौर पर इस दिन बहुत जल्दी खराब होती है। हमने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है, पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मान लीजिए कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि एक लाश कितनी जल्दी सड़ती है, तो इस दिन ये और दिनों के मुकाबले अधिक तेजी से होगा। किसी को प्रयोग करके देखना चाहिए। अगर कोई पैथोलॉजी लैबोरेटरी में काम कर रहा हो तो उसे ये प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हमने आपसे कहा था कि खाना ना खाएं। दिल्ली में वो लोग जो आज खा रहे हैं उनका क्या करें? This is going through a whole phase. ये एक पूरे दौर से गुजर रहा है। जो 28 दिन में होता है वो सूक्ष्म रूप से ऊर्जा के स्तर पर इस 2 घंटे के समय में हो रहा है। जो 28 दिन में होता है वो अभी हो रहा है। आपके यहां बैठे बैठे आपके शरीर के साथ भी ये हो रहा है। आपको इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए।